विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जगह जगह स्वास्थ्य कैंप लगाना शुरू कर दिया है। एक मिनट, अभियान है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जगह जगह स्वास्थ्य कैंप लगाने का अभियान शुरू कर दिया है। मोहनपुरा में बजरंग दल ने कैंप लगाया। कैंप में बड़ी संख्या में लोगों ने चेकअप कराया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा समय समय पर सेवा के कार्य भी किए जाते हैं। इन दिनों विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा चिकित्सा कैंप लगाए जा रहे हैं। ईदगाह मोहनपुरा में चिकित्सा कैंप लगाया गया। बड़ी संख्या में चिकित्सा कैंप में लोग अपने स्वास्थ्य को दिखाने पहुंचे। चिकित्सक सिमरन उपाध्याय कहती हैं, बड़ी संख्या में लोग आए और सभी ने अपना चेकअप कराया। खास तौर से महिलाएं अधिक संख्या में पहुंची। काफी अच्छा कैंप रहा जी। आज यहाँ पे बजरंग दल द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही थी, सेवा सप्ताह। उसके अंतर्गत आज यहाँ पे चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के डॉक्टरों को बुलाया गया था, जैसे कि नेत्र रोग विशेषज्ञ थे, उन्होंने आंखों की जांच करी। यहाँ पे जिन लोगों को चश्मे के नंबर थे वो बताए, जिनका ऑपरेशन की ज़रूरत थी मोतियाबिंद जैसे ऑपरेशनों के लिए, उसके लिए बजरंग दल ने एक मुहिम चलाई कि अपना स्टैंप लगवा के उन मरीजों का SN में मुफ्त इलाज किया जाएगा, मुफ्त ऑपरेशन किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा गरीब बस्तियों में कैंप लगाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को चिकित्सा सुविधा मिल सके। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का मानना है कि इससे गरीब लोगों को फायदा मिलता है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के केंद्र नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश भर के अंदर इस वर्ष सेवा सप्ताह के तहत नर सेवा नारायण सेवा की भावना के साथ सभी सेवा बस्तियों के अंदर इस तरीके के निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं। क्योंकि आम जनमानस में हिंदू समाज जो है कहीं ना कहीं सरकारी व्यवस्थाओं से बहुत दूर रहता है। सरकारी जितने भी अस्पताल हैं वहाँ आप देखोगे तो मुस्लिम समाज के लोग ही ज़्यादातर दिखाई देते हैं। हिंदू समाज के जो लोग हैं वो नहीं जा पाते हैं वहाँ पर, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो आज इस चिकित्सा शिविर लगाने का जो उद्देश्य था वो यही था कि आम जनमानस जो है हिंदू समाज जो सेवा बस्तियों में रह रहा है उसको चिकित्सा सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर मिल सके चिकित्सा के संदर्भ में। ये अच्छा प्रयास है और इसे प्रयास निरंतर चलता रहना चाहिए। और यहाँ पर करीब काफ़ी लोग आए, भीड़ भाड़ बहुत थी, अभी काउंटिंग तो नहीं की है, परंतु बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सेवा सप्ताह का लाभ उठाया है। गरीब लोग बहुत सारे लोग आए हैं, जो लोग कभी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं 500 रुपये 600 रुपये फीस के, उन लोगों को यहाँ निःशुल्क सेवा दी गई है। क्षेत्र के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। प्रेम सिंह कुशवाहा भी उनमें से एक युवक था, नव युवक है, लेकिन अपनी बच्चा टीम के साथ प्रेम सिंह कुशवाहा ने लोगों को घरों से बाहर निकाला, कैंप तक पहुँचाया। यहाँ पर बहुत अच्छा रहा और सभी लोगों ने हिस्सा लिया यहाँ पर। और हाँ, सारी मतलब अलग अलग समाज से, अलग अलग वाल्मीकि समाज, कुशवाहा समाज और अलग अलग समाज से सब लोगों ने अपना इलाज वलाज कराया यहाँ पर अच्छे तरीके से। हाँ, चेकअप हुआ था, आँखों का चेकअप हुआ था और क्या नाम है, खुजली मशीन वगैरह भी आई थी और बहुत अच्छे तरीके से हमको बहुत अच्छा लगा। और यहाँ की जनता को ये फ्री सेवा जो मिली विश्व हिंदू परिषद की तरफ से और बजरंग दल की तरफ से, तो बहुत अच्छा रहा। बड़ी संख्या में कैंप में लोग अपना चेकअप कराने पहुंचे। तमाम लोगों का चेकअप किया गया, आवश्यकता के अनुसार उनका इलाज भी किया जाएगा। राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।